हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पार्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको जो है फंगस, बैक्टीरिया और वायरस को पहचानने का तरीका बताऊंगा। एक को आप समझ जाएंगे तो सबको आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे आम का जो फसल है उसके जो पत्ते में अभी ये फंगस लगा हुआ है। मतलब कौन सी फंगस की प्रजाति है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फंगस है। उसको मैं कैसे पहचान आपको बताता हूँ। देखिए, फंगस जब भी पौधे में लगते हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे मतलब भूरे भूरे टाइप से आपको पत्ते के ऊपर जहाँ पर फंगस लगा होगा वहाँ पे आपको दिखेगा। आप छुएंगे तो वो साफ भी हो जाएगा, तो ये फंगस के लक्षण है। दूसरे नंबर पे आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है लगती है तो उसके कोई ऊपर में आपको मतलब कि वो नज़र नहीं आएगा किसी तरीके से, चूना वगैरह जैसे इसमें चूना चूना टाइप दिख रहा है। तो बैक्टीरिया क्या है कि अंदर ही अंदर जो है, जो मतलब कि जो क्लोरोफिल रहती है उसके अंदर ही अंदर लगती है। घाव जरूर दिखता है, लेकिन आप उसको जो है छुएंगे तो कुछ आपको वहाँ पे नमी हुई नज़र नहीं आएगा, नमी नमी टाइप से जितना फंगस में नज़र आता है। अब बात करते हैं वायरस की, तो वायरस में आपको कोई घाव नज़र नहीं आएगा। देखिए, वायरस जब फसल में लगती है तो उसके जो है डीएनए को चेंज कर देता है। मतलब कि पत्ते जो सीधे बढ़ते हैं, पत्ते जो सीधे होते रहते हैं, पौधे ऊपर बढ़ते रहते हैं, उसको बदल देगा। मतलब कि पत्तियाँ मुड़े हुए टाइप से हो जाएंगी, उसका ग्रो नहीं होगा। मतलब पूरे पौधे के डीएनए को चेंज कर देता है, तो वो मतलब कि वायरस होता है, वही उसका लक्षण है। कोई घाव वगैरह नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं मेरे जो आम की पत्ती में, इसमें फंगस जो है लगी हुई है, और फंगस को जो है आप देख के भी जान सकते हैं। अच्छा, हर फंगस ऐसे ही आपको नज़र आएगा ना, मतलब कोई फंगस में चेंजेस नहीं होगा। किसी भी प्रजाति की फंगस हो आपको ऐसे ही वो नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है फंगस, बैक्टीरिया और वायरस को। फंगस में आपको जो है उसके कलर से पता चल जाएगा, और बैक्टीरिया जो है अंदर ही अंदर जो है पत्ती को नुकसान करेगा, और वायरस तो पूरी उसकी डीएनए को बदल देती है, जिसके वजह से प्रोडक्शन पूरी तरीके से जो है लॉस हो जाती है। ये थी वीडियो आज के, और इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।